तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रैम की आइडेंटिफिकेशन को लेकर के। यहाँ पे आप बहुत सारी रैम देख रहे हैं, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों ये है कंप्यूटर की रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और आज हम जानेंगे कि फिजिकली रैम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि जब रैम हमारे हाथ में हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी रैम है, किस कंप्यूटर में लगेगी, किस जो है किस मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारी रैम पड़ी हुई हैं और मैं यहाँ पे आपको एक एक बारीकी चीज़ बताऊंगा कि रैम अगर आपके हाथ में है तो आप कैसे तुरंत बता सकते हैं कि ये कौन सी रैम है और कौन से सिस्टम में लगेगी। लैपटॉप की रैम है, डेस्कटॉप पीसी की रैम है, या फिर ऑल इन वन पीसी की रैम है, इस तरह की चीज़ें। और साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ कि रैम को पहचानेंगे कैसे कि आखिर रैम कौन सी है, रैम का जो नाम है वो मॉडल के हिसाब से कैसे डिसाइड होता है, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत सारी रैम है और आज हम रैम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दो रैम आपको दिखाई दे रही है, एक में आप देखेंगे कि यहाँ पे चिट आपको दिखाई देगी, देखिए स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। एक रैम में आप देखेंगे स्टिकर लगा हुआ है, दूसरी रैम में किसी भी तरह का कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ है, ठीक। तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, देखिए दोनों चीज़ से बताऊंगा। जिसमें स्टिकर लगा है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी रैम पड़ी हैं, सब में स्टिकर लगा है, लेकिन जब स्टिकर नहीं लगा होता, जैसे कि इसमें स्टिकर नहीं लगा हुआ है जिसमें पढ़ के कुछ बताया जा सके, तो इस तरह की रैम के बारे में बात करेंगे, और जिनमें स्टिकर लगा होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिए इसमें लिखा हुआ है 256 MB की रैम है, ये DDR लिखा हुआ है, सिर्फ DDR लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या है, DDR जहाँ पे सिर्फ DDR लिखा हो या फिर DDR1 लिखा हो, इसका मतलब ये जो है DDR1 है, ठीक। तो ये हमारी सिस्टम जो है फर्स्ट रैम हो गई, जिसको या तो इसमें दोस्तों PC1 भी लिखा हो सकता है DDR की जगह, अगर PC1 लिखा है इसका मतलब DDR1 ही है, ये DDR1 हो गई। इसके बाद दोस्तों दूसरे पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए दो तरह की रैम है, एक थोड़ी चौड़ी है और दूसरी जो है वो पतली रैम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ के क्या लिखा हुआ है, DDR2, ठीक। तो ये हमारी DDR2 हो गई, ये DDR1 रैम थी, ये DDR2 रैम हो गई, ठीक। इसी तरह यहाँ पे देखिए स्टिकर लगा हुआ है, 1 GB है, ये PC2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा DDR2 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है PC2, ठीक। तो ये दोनों ही रैम सेम है, यानी कि ये DDR2 रैम है, ठीक। तो PC2 यानी कि DDR2 है, ये DDR2 है, ये भी DDR2 है, जिसमें साफ DDR2 लिखा हुआ है। देखिए इस तरह की रैम है, इसमें साफ अगर आप स्टिकर में देखेंगे तो लिखा हुआ है 4 GB की रैम है और PC3 लिखा हुआ है, PC3 है। तो PC3 यानी कि DDR3 हो गई। तो हमने DDR1 देख लिया, DDR2, यहाँ पे दोस्तों DDR3 लिखा होगा तो DDR3 है ही है, अगर PC3 लिखा हुआ है तो PC3 का मतलब DDR3 है, इसी तरह से PC2 लिखा हुआ है तो PC2 यानी कि DDR2, PC1 लिखा हुआ है इसका मतलब DDR1, फिर ठीक है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ऑल इन वन PC या लैपटॉप कह दीजिए, इसका रैम है, तो यहाँ पे 8 GB की रैम है, PC4 लिखा हुआ है, PC4 लिखा हो या फिर DDR4 लिखा हो, यानी कि दोनों ये सेम है, DDR4 रैम है। तो आपने देखा DDR1 देखा, DDR2 देखा, 3 देखा और DDR4 रैम यहाँ पे आपने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जिसमें स्टिकर नहीं होता है, मान लीजिए अब ये फर्स्ट वाली जो रैम है, ये रैम है, इसमें क्या है कि कहीं पे भी कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ, और जो स्टिकर लिखा लगा भी हुआ है उसके अंदर कोई किसी तरह का रैम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पीछे अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ठीक। तो इस तरह के रैम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ध्यान रहे दोस्तों, अब इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। यहाँ पे क्या होता है कि जिसमें स्टिकर नहीं लगा हुआ, जिसमें लिखा हुआ है वो तो मैंने आपको बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिसमें स्टिकर नहीं लगा हुआ है तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है, ये जो दो रैम है, ये रैम का जो IC लगा हुआ है सबसे बड़ा IC है, सबसे बड़ा IC यानी कि सबसे पुराना मॉडल यानी कि DDR1, ठीक है। सबसे बड़ी IC है, पुराना मॉडल है, DDR1 है, बड़ी IC यानी कि DDR1 हो गई है। अब DDR2 पे आते हैं दोस्तों, जैसे ही हम DDR2 पे आएंगे तो देखिए ये दोनों DDR2 है, ये दोनों DDR2 है। अब आप देखेंगे कि जो DDR1 था उसकी IC बड़ी है, इसकी IC छोटी है, ठीक। तो ये जो IC है इसका जो साइज़ देखेंगे DDR2 इससे 1 से छोटी हो गई। इसी तरह से DDR3 में आएंगे तो इसकी IC इससे भी छोटी हो गई, ये देखिए ध्यान से देखिए, DDR1 की बड़ी IC, फिर DDR2, फिर DDR3, उससे छोटी IC हो गई यहाँ पे।
तो यानी कि जैसे जैसे रैम DDR1 से 2, 3, 4 जाती है तो आईसी जो है उसकी छोटी होती जाती है। और अगर हम DDR4 की बात करें, ये DDR4 मैंने दिखाया था, इसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे छोटी आईसी मिलेगी आपको DDR4 के अंदर। DDR4 की एक खासियत और भी है दोस्तों कि बाकी सब के अंदर आप जो है आईसी अगर देखेंगे तो यूं सीरियल वाइज है, ठीक है, यूं सीरियल वाइज है। लेकिन जो DDR4 की रैम आजकल आ रही है उनमें आईसी ऐसे होती है, ऊपर नीचे, एक आईसी यहाँ है एक यहाँ है। अगर बड़ी वाली रैम होगी तो उसके अंदर एक आईसी यहाँ होगी, एक इसके नीचे होगी, फिर एक आईसी यहाँ, फिर उसके नीचे, फिर एक आईसी यहाँ, फिर उसके नीचे। तो अगर इस तरह से आईसी है तो इसका मतलब है आपका DDR4 है, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि जो DDR1 होती हैं इनका जो कट है, यहाँ पे जो कट है, अगर इनका आप कट देखेंगे तो इनका कट बिल्कुल आईसी के सामने होता है, आपके राइट साइड में, ठीक, राइट साइड में आईसी के सामने होता है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में आईसी के बिल्कुल किनारे पे कट होता है। अगर आप DDR2 में देखेंगे तो DDR2 में क्या होता है कि DDR2 में एक छोटी सी आईसी होती है, छोटी सी, ये देखिए सबसे छोटी है, उसके साथ में कट होता है। ये देखिए छोटी सी आईसी है, उसके साथ में कट है राइट साइड में। तो DDR1 देख लिया आपने, DDR2 का कट देख लिया। DDR1 में कहाँ होता है, आईसी के ठीक नीचे, यहाँ छोटी वाली आईसी के ठीक नीचे DDR2 हो गई। इसी तरह से DDR3 अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में कट होता है आईसी के नीचे, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में कट होगा आईसी के नीचे, लेफ्ट जो आईसी होती है उसके नीचे कट होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि जो रैम है उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा आपको।